सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल पे कि भैया एमसीए और एमएससी सीएस में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, एमसीए और एमएससी सीएस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन मुझसे मेरे बहुत सारे जूनियर्स ने भी पूछा है और भी मेरे को बहुत सारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ये आए हैं कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए कि एमसीए और एमएससी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे यार एमसीए किन किन लोगों को करनी चाहिए, एमएससी किन किन लोगों को करनी चाहिए, एमसीए और एमएससी के अंदर डिग्री में क्या फर्क है, दोनों की प्लेसमेंट्स कैसी रहती हैं, आगे के जॉब प्रोस्पेक्टस क्या हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से एमसीए करने के लिए, बेस्ट कॉलेजेस कौन से एमएससी करने के लिए, और कब हमारे को इनके पेपर्स के लिए, इनके एंट्रेंसेस के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरे देखिएगा, क्योंकि जो बच्चे अभी बीसीए और बीएससी के सेकंड और थर्ड ईयर में होते हैं उनको ये कॉमनली एक डाउट रहता है कि यार हमारे को अब बीएससी और बीसीए के बाद जॉब कर लेनी चाहिए, एमएससी के लिए चले जाना चाहिए, एमसीए के लिए चले जाना चाहिए या फॉरेन स्टडीज के लिए चले जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ इन कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं होप करता हूँ आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी और मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। तो चलिए यार अब शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस एमएससी कंप्यूटर साइंस वर्सेस एमसीए का। तो यार अगर हम देखें एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो यार हमारा एमएससी कंप्यूटर साइंस जो है वो एक प्योर थ्योरेटिकल डिग्री है, ये 2 साल की होती है, मोस्टली हर कॉलेज में 2 साल की आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर वही 2 तरह के मोड होते हैं कि आप इसे ओपन से कर सकते हैं या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू है। राइट, अगर हम लोग एमएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यार इसके अंदर पूरा सिलेबस हमारा बीएससी वाला ही होता है या बीसीए वाला होता है, बस उसको थोड़ा एडवांस फॉर्म में आपको कराया गया होता है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा करा देते हैं, जिससे आपको अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, मशीन लर्निंग के अंदर आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, अगर आप उसमें से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आगे रिसर्च करना चाहें या उसमें अपना कोई पेपर पब्लिश करना चाहें तो आप एमएससी कंप्यूटर साइंस को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल कोर्स है। और इससे अगर आप आगे का प्रोस्पेक्टस भी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यार इसके बाद आपके पास एक यूजीसी नेट का ऑप्शन रहता है। यूजीसी नेट का ऑप्शन ये होता है कि यार यूजीसी नेट का पेपर देने से आप लोग टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग कॉलेजेस की, या आप किसी प्रोफेसर के अंदर वर्क भी कर सकते हैं। प्रोफेसर के अंदर वर्क करने से मेरा जो सेंस है वो ये कहने का है कि यार आप एमटेक करने के लिए अगर चाहते हैं, कि अगर आप बोलते हैं कि यार हमारे को कंप्यूटर साइंस के इस टॉपिक के अंदर हमें एआई के एक पर्टिकुलर फील्ड में ये रिसर्च करी है, तो यार आप उस फील्ड के साथ जाके एमटेक कर सकते हैं अंडर किसी आईआईटी के टीचर के। तो आप सीधा अगर चाहते कि आप बीएससी का एमटेक कर लेते या आप नॉर्मली एमटेक कर लेते तो वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर आप एमएससी करते हैं तो एमएससी का आपके पास एमटेक का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। फिर यार हम लोग बात करते हैं जेआरएफ की, जेआरएफ अगेन वही चीज है यार, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जेआरएफ, तो इसके अंदर यार आप वही, मैंने जैसे रिसर्च की बात करी तो आपको इस पे गवर्नमेंट से भी एक कंपनसेशन मिलती है अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं। यूजीसी नेट के अंदर ही अगर आपकी टॉप रैंकिंग होती है तो आपको जेआरएफ क्लियर होता है, तो इसमें आपको 40 से 50 के तक का गवर्नमेंट से भी पर मंथ का सपोर्ट मिल रहा होता है, मतलब ये आपको रिसर्च करने के लिए इतने पैसे आपको देती हैं। साथ ही साथ आप पीएचडी कर सकते हैं जाकर और किसी के साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 40 से 50 के दे रही है। इसके साथ यार एमएससी के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि यार लेक्चर्स जो होते हैं वो एमएससी करके ज्यादातर आगे आते हैं, क्योंकि एमएससी ऐसे में होता है एक प्योर थ्योरेटिकल डिग्री है, तो थ्योरेटिकल डिग्री के अंदर अगर आपकी एक अच्छी कमांड है, अगर आपके कॉन्सेप्ट पे अच्छी कमांड होती है, फिर कुछ लोगों का मैंने देखा है कि यार वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करते हैं एप्लीकेशन से ज्यादा, तो यार वो आगे जाके टीचिंग जॉब भी देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि यार डीयू के या बाकी जगह के लेक्चरर्स की, तो यार इस टीचिंग जॉब के अंदर भी 2 से 3 लाख पर मंथ का पैकेज मिल जाता है, मतलब बहुत अच्छी जॉब एक रहती है अगर आप एक कंप्यूटर साइंस टीचर बनते हैं या आगे जाके लेक्चरर बनते हैं। और उसके बाद आपके पास पीएचडी का ऑप्शन रहता है जिसके अंदर आप लोगों को डॉक्टरेट डिग्री मिलती है एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो यार ये हो गया है तुम्हारा एमएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में। अगर इसको बोले इसके कुछ की एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले भैया ये 2 साल की डिग्री है एज कम्पेयर टू एमसी, क्योंकि एमसी भैया कहीं पर 3 साल की और कहीं कहीं जगह पर 2 साल की है, लेकिन वो 2 साल भी एक कंस्ट्रेंट के साथ आती है कि अगर आपने पहले बीएससी करी है या बीसीए करी है या आपके पास एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट था आपके बीबीए में, ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जो आपको एमसी को 2 साल का कर देते हैं, बाकी एमसी 3 साल की डिग्री है। तो एमएससी का एक एडवांटेज तो ये हो जाता है कि भैया ये 2 साल की डिग्री रहती है। दूसरा ये होता है कि जिन लोगों को पर्टिकुलर इंटरेस्ट है किसी चीज़ में रिसर्च करने में और वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको अगर बैक एंड सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट आप ये यूजीसी और जेआरएफ के पेपर दे सकते हैं,
तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट से पैसे भी मिलते हैं और आप किसी टीचर के अंदर जाके वर्क कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक आपका होता है एमएस का, तो आप बाहर जाके एमएस भी कर सकते हैं और अपने पेपर्स को पब्लिश वहाँ पे भी करवा सकते हैं, तो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज का भी बहुत एक रेफरेंस और हेल्प मिल जाती है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एमसीए के ऊपर। फिर एमसीए क्या है? तो एमसीए का जैसे मैंने आपको बताया मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 साल की डिग्री है और ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। अगर आप लोग इसे बात करते हैं बीटेक के बारे में, तो बीटेक भी एक प्रोफेशनल डिग्री है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या आगे ऐसी जॉब में अप्लाई करने के लिए हेल्प करती है। सेम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन के लिए इसलिए है क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो अगर आप ये लोग करते हैं तो सबसे बढ़िया तो पहले होता है भैया आईटी जॉब्स। जितनी भी आईटी जॉब्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स हैं, चाहे आप गूगल ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, आज उसमें एमसीए करने के बाद बहुत सारे बच्चे गए हैं। इसमें आपको सीधा डेवलपर रोल, सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स, कोडिंग रोल्स बहुत सारे, गेमिंग डेवलपमेंट रोल्स बहुत सारे, डेवलपर मतलब बहुत सारे ही जो रोल्स हैं उसके अंदर इसकी जॉब्स होती हैं। आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक एमसीए की डिग्री है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। सेकेंड मैंने आपको बता दिया कि जो पॉइंट था वो हमारी ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। साथ ही साथ यार अगर आप इसे एक अच्छी जगह से करते हैं, जैसे यार अभी हम लोग एनआईटी में हैं, अगर आप किसी अच्छी एनआईटी से करते हैं या आप किसी और अच्छे रैंकिंग कॉलेज से करते हैं, जैसे डीयू से अगर आप लोग करते हैं, तो यार ये आपके पास एक रहता है कि आपको वैसा एक एनवायरमेंट मिलता है कि अपने आप 4-5 फ्रेंड्स को लेके अच्छा स्टार्टअप भी कर सकते हैं। और अगर आप यार टायर यूनिवर्सिटी से, मैंने बताया एनआईटी से या डीयू से या और भी ऐसे महाराष्ट्र सिटी में पुणे यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो यार इन सारी यूनिवर्सिटीज में कुछ इंक्यूबेटर सेल्स होते हैं। अभी इंक्यूबेटर सेल्स क्या होते हैं यार? ये ऐसे सेल्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं इनिशियली कुछ फंडिंग प्रोवाइड करके, ऐसे 1-2 लाख की या 3-4 लाख की, और अपने ही कॉलेज के अंदर कुछ एक रूम प्रोवाइड करके या एक छोटा सा ऑफिस की स्पेस प्रोवाइड करके कि वहां पे आप 4-5 लोग अपना स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर सकें। अगर मान लीजिए आपको कोई आईटी सॉल्यूशन से स्टार्टअप बनाना है या कोई आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कुछ स्टार्टअप बनाना चाहते हैं कि यार आप लोगों से ऐसे फ्रीलांसिंग में होता है कि आप लोगों से एक ऑर्डर लेते हैं, उसको आप अपने आप इंडिविजुअल लेवल पे बनाते हैं, उनको डिलीवर करते हैं, तो सेम अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यार एमसीए करने के बाद आपको इंक्यूबेटर सेल्स जो होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में वो आपको हेल्प करते हैं एक स्टार्टअप एस्टेब्लिश करने में। और भाई मैं अगर आप मेरे को बिलीव करें तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं और वो अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए इस स्टार्टअप के प्रोजेक्ट से ही लेके कमा रहे हैं, राइट। और थर्डली अगर हम लोग बात करें तो यार एमसीए के पैकेजेस, तो एमसीए के पैकेजेस प्रीवियस ईयर जैसे बहुत डिसेंट हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जैसे सिस्को हो गई, ऊबर हो गई, उड़ान हो गई और गोल्डमैन सैक्स हो गई, तो यार बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं उन्होंने ये 30-40 लाख के ऊपर के पैकेज हमारे को यहाँ एमसीए के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यार अगर हम लोग अब बात करें कि यार एमएससी कंप्यूटर साइंस किसको करनी चाहिए और एमसीए कंप्यूटर साइंस किसको करनी चाहिए, तो यार अगर आप लोग एक प्रोफेशनल करियर अपने आप को देख रहे हैं कि यार आपको एक आईटी जॉब करनी है, मतलब वही आईटी जॉब के आप लैपटॉप के आगे बैठे हैं कुछ कोडिंग कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है या एआई की कुछ एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, अगर आपको एप्लीकेशन वाला काम करना है तो यार आप लोगों को एमसीए के लिए जाना चाहिए श्योर शॉर्ट। उसमें आपको कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में रखनी चाहिए। और यार अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज में रिसर्च करनी है, आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा है, आपको उसके अंदर और पढ़ना है और डेप्थ में जाना है, तो यार आप लोगों को एमएससी कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए। अगर मैं आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस के पैकेजेस के बारे में कुछ बताऊं, तो यार एमएससी कंप्यूटर साइंस में भी बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए के पैकेजेस ऑलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं। वहाँ पे भी स्नैपडील जैसी अच्छी कंपनीज आई थी लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी, तो 13-13 लाख के पैकेज वहाँ पे भी देखे गए थी। पर कुछ बच्चों की अपनी पर्सनल च्वाइस होती है कि यार वो एमएससी के बाद भी मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो प्लेसमेंट में नहीं बैठते, मतलब एमसी के बच्चे जो होते हैं वो प्लेसमेंट में ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं एज कम्पेयर टू एमएससी, क्योंकि एमएससी के बच्चों को अपना थोड़ा क्लियर रहता है कि यार हमें कुछ रिसर्च करनी है या पीएचडी करनी है। साथ ही साथ यार इसमें एक और ऑप्शन खुला होता है एमएससी के बच्चों का कि यार वो एमएससी करने के बाद गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इसके अंदर ओपन, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर होती हैं, जहाँ पे उनको टेक्निकल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट जॉब का भी होता है। वैसे ही एमसीए के लिए भी ओपन रहता है, पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का ही ज्यादा है तो आप लोग फिर एमसीए 3 साल के अंदर, 3 साल एमसीए में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि एमएससी करके ही सीधा गवर्नमेंट जॉब करें। अगर अब आप लोग कुछ टॉप कॉलेजेस पूछेंगे एमएससी के लिए, तो डीयू एमएससी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बीएचयू एमएससी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और अगर हम लोग दिल्ली से ही और बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया की एमसी की भी बहुत, एमएससी की भी बहुत वैल्यू है, राइट। और एमसी के तो आपको पता ही है टॉप कॉलेजेस, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि एनआईटी से आपको करेंगे तो यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही आपको एक ऐसा अच्छा एनवायरमेंट मिलता है कि आप बीटेक वालों के साथ कम्पीट कर सकते हैं और बीटेक वालों के साथ ही आप प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिलता है। उसके बाद कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे बिट्स हो गई या वीआईटी हो गई, तो आप वहां से भी कर सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो। इनके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ कि यार प्राइवेट कॉलेजेस वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेजेस की एमसी और एमएससी में क्या फर्क होता है। तो इसी के साथ यार आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने यहाँ तक देखी हो तो उसको लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने गिव अवे में पार्ट नहीं लिया है तो यार गिव अवे चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेल्फ स्कोरर मैथमेटिक्स की दो बुक्स जो है उसका गिव अवे कर रहे होंगे, तो उसमें जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करिएगा। थैंक यू सो मच वन स्टॉप एमसी के साथ बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज, मैं होप करता हूँ आप सबको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि एमएससी क्या है और एमसीए क्या है, और आप अपना आप माइंड सेट करके पेपर्स दे पाएंगे। बाकी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे यार एमएससी और एमसीए दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो डीयू एमएससीए मैं बोलूंगा कि यार अगर आप सब लोग एक अच्छी जगह से एमएससी करना चाहते हो, डीयू एमएससी सबसे बेस्ट पेपर है। डीयू एमएससी पेपर में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 थी। अगर आप बोलेंगे तो मैं डीयू एमएससी के पेपर के ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस लेके आ रहा हूँगा कि यार उसके फॉर्म कब निकलते हैं, उसको कब भरना चाहिए और कैसे उसका पेपर पैटर्न होता है, कैसे आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक 15 थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यार आपको इस एक डी एम एस सी के ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो मैं उसकी भी एक डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो लेकर आ रहा हूँगा। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स एम सी ए या एम एस सी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।